बासंती पुलाव बंगालीज की एक बहुत ही पसंदीदा डिश है, और इसके साथ अगर मटर पनीर हो जाए तो क्या बात है। आज मैं आपके साथ बासंती पुलाव और मटर पनीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अमेजिंग सुमन में। तो आइए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। मैंने एक कढ़ाई लिया है और इसमें एक चम्मच घी डाला है। घी थोड़ा मेल्ट हो जाने के बाद मैं इसमें दे रही हूँ साबुत गरम मसाले और थोड़े से मटर, और मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़े से कटे हुए गाजर। पुलाव में ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल नहीं होता है, और अब इसमें मैं दे रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी ज़ाफ़रान पाउडर और 2 चम्मच चीनी। पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ गोविंदो भोग चावल का इस्तेमाल किया है। अब मैं सारे चावल को कढ़ाई में डाल दे रही हूँ और इसे डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। गैस की फ्लेम को इस वक्त लो करके रखें ताकि ये चावल बिल्कुल भी ना जले, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब इसमें सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे तब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, और गर्म पानी ऐड करेंगे। मैंने चावल की मात्रा जितनी ली थी उससे 1.5 गुनी पानी ऐड की है। जैसे मैंने अगर 1 ग्लास चावल का इस्तेमाल किया है तो मैं यहाँ पे 1.5 ग्लास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। चावल थोड़े पक जाने पर मैं यहाँ पे 1/2 कप दूध दे रही हूँ और थोड़े गरम मसाले। फिर से थोड़ी देर चलाने के बाद मैं इसे ढककर छोड़ दूँगी गैस की फ्लेम को एकदम लो करके, ताकि ये धीमी आंच में अंदर ही अंदर अच्छी तरह से पक जाए। और ये हमारे पुलाव बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं चावल कितनी अच्छी तरह से पकी है और बिल्कुल भी नहीं चिपकी है। चावल बिल्कुल खिले खिले हैं और इसका कलर भी बहुत ही सुंदर आया है। मेरी पुलाव की रेसिपी आप ज़रूर से घर में एक बार बनाकर ट्राई करिएगा, बच्चे तो बिल्कुल ऐसे ही खा जाएंगे। चलिए अब अगले डिश मटर पनीर की बारी है, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक देके पनीर को फ्राई कर लिया है। पनीर को मैं गोल्डन फ्राई करूँगी, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है और बिल्कुल हल्के हाथों से करना है जिससे ये पनीर नहीं टूटे। मैं पनीर में थोड़ा सा नमक देके फ्राई करती हूँ ताकि पनीर के अंदर भी थोड़ा सा नमक चला जाता है और ये खाने में और भी टेस्टी हो जाती है। अब मैं उसी तेल में ऐड कर रही हूँ अदरक, हरी मिर्च और बिल्कुल लाल टमाटर, और इन्हें अच्छी तरह से भून लूँगी। मैंने थोड़ा सा नमक और हल्दी दे दिया है। ये टमाटर जब अच्छी तरह से बॉयल हो जाएंगे मैं इसमें दे रही हूँ थोड़ी सी चाल मगज। आप चाहे तो इसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि मैं ये एक सात्विक थाली बना रही हूँ। सब्जियाँ थोड़ी ठंडी हो गई हैं और मैं इन्हें मिक्सर जार में ले रही हूँ, और इन सब्जियों को पानी देकर मैं पीस लूँगी। देखिए कितना अच्छा इसका फाइन पेस्ट तैयार हो गया है। अब कढ़ाई में मैं दे रही हूँ थोड़ी सी हींग, थोड़े खड़े गरम मसाले, थोड़ी सी जीरा और थोड़ी धनिया मिर्च पाउडर, और इन्हें थोड़ी देर भुनने के बाद मैं यहाँ पे थोड़े से मटर डाल दे रही हूँ। मटर को भी थोड़े से फ्राई कर लूँगी। मैंने यहाँ पे मटर को बॉईल नहीं किया है, मैंने यहाँ पे फ्रोज़न मटर लिया है जिसे मैंने रात भर पानी में भिगोकर छोड़ दिया था, और ये मटर बिल्कुल नरम हो चुके हैं। मटर थोड़े से फ्राई होने के बाद मैं यहाँ पे पिसे हुए मसाले ऐड कर दे रही हूँ ग्रेवी के लिए। सारे मसालों में थोड़ी सी पानी ऐड देकर मैं इसे अच्छी तरह से चलाकर ढककर छोड़ दूँगी। आप देख सकते हैं अभी से ही इसमें कितना सुंदर सा कलर आने लगा है, और मैं यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक और हल्दी दे दे रही हूँ। इसे थोड़ी देर चलाकर ढककर छोड़ दे। मेरी रेसिपीज़ बहुत ही इजी होती हैं, आप कभी भी इसे घर पर बनाकर खा सकते हैं।
मेरे बताए हुए तरीके से ज़रूर एक बार बनाकर ट्राई करिएगा। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा गरम मसाला ऐड कर दिया है और सारे फ्राई किए हुए पनीर मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इस बात का ध्यान रखिए कि जब मसाले अच्छी तरह से पक जाए तभी आप पनीर को इसमें ऐड करें, नहीं तो पनीर टूट जाती है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और थोड़ी देर इसे मिक्स होने के लिए, ग्रेवी जब तक गाढ़ी ना हो जाए, मैं इसे ढककर छोड़ दूंगी। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच चीनी ऐड किया है और घर पे दूध में थोड़ी सी मलाई थी, मैंने ये मलाई यहाँ पे ऐड कर दिया है। आप चाहे तो बाजार वाली फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, इससे इसका स्वाद और टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। तो हमारी थाली आज तैयार है, जो है बासंती पुलाव, मटर पनीर, पापड़, सलाद और मीठा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो ज़रूर से एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारी रेसिपीज़ को फॉलो करिए। धन्यवाद।